विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बलिया कांड को लेकर योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बलिया कांड ये दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं रहा। जिस तरह से SDM के सामने 25 राउंड गोलियां चला दी जाती हैं और पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी वहां से भाग निकलता है, चिंता का विषय है। प्रमोद तिवारी ने बलिया के क्षेत्रीय BJP विधायक सुरेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका ये तर्क कि आत्मरक्षा में गोली चलाई ये ठीक है। कोई आत्मरक्षा में हल्का बल प्रयोग करता है और 25 राउंड गोली नहीं चलाता। BJP अब जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। बलिया का कांड ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन का। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना है कि CO उस सर्किल के, SDM उस डिवीजन के, सब डिवीजन के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने एक दो राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हो सकता, कुछ कम कुछ ज्यादा हो,